कई क्या करते हो तुम, जैसे एक पेपर दिया और एक पेपर के बाद ही गिव अप करने का प्रयास करते हो कि नहीं छोड़ देते हैं यार, कोई और काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अगर अपने इतिहास से सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए नाम लूंगा बाबर का। बाबर के बताया जाता है कि 10-11 साल की उम्र में बाबर का राज तिलक हो गया था गद्दी पर बैठ के। अब 10 साल का वो बच्चा कितना होता है आप सभी जानते हो, छोटा होता है। तो परिवार वालों ने वो साम्राज्य वगैरह हड़पना शुरू कर दिया। ऐसे करते हुए उज्बेकिस्तान वगैरह भी आक्रमण होने लगे, तो बाबर एक तरह से परेशान हो गया। और ऐसे करते करते सन आ गया 1504 का। 1504 में बाबर एक युद्ध आ रहा था जिसका नाम था सराय पुल का युद्ध। और बाबर हारकर जब इतना मतलब बुरी तरह से परेशान हो गया था, रोने का जैसा मन करा था बाबर का, और रोने का मन की रोने लग गया था, और उसके साथ सेनापति थे वो भी रो रहे थे। देखते देखते और भगवान बाबर ने ऊपर देखा और ऊपर देख के भगवान से यही बात बोली, और सेनापतियों को मतलब हौसला देने के लिए, एक युद्ध हारे तो क्या हुआ, जिंदगी थोड़ी हारे। और बहुत ही अच्छी बात थी, इसमें बहुत सेंस लिखा हुआ बाबरनामा में लिखी थी, बहुत ही अच्छी बात थी। मतलब एक युद्ध हारे तो क्या हुआ, अपने तो कोई एग्जाम के बाद गिव अप दो तीन। और इसी का नतीजा ये निकला था कि बाबर पूरे भारतवर्ष का सम्राट बनेगा आगे चलकर। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता था, बाबर ने, और एक नए वंश की स्थापना की थी मुगल वंश की। तो भगवान पता नहीं हमसे क्या चाहे, कब क्या दे दे। वो व्यक्ति जो रो रहा था एक दिन बैठकर, और आज वो पूरे भारत का राजा बना बैठा है। तो अगर हम अपने आप को जान ले तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम हमारा जीवन दूसरे को जानने में लगा रहे हैं। तो मैं भी कह रहा हूं अभी भी समय है, समय के साथ बदल जाओ। कुछ लोग वक्त के सांचों में डल गए, कुछ लोग थे जो सांचे को ही बदल गए। तो सांचों को बदलना है अपने को, सांचों के साथ नहीं डलना। तो इसी के साथ पूरे जोश और जुनून के साथ मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो।